अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू साइज, साइज के एतबार से कंप्यूटर की कौन कौन सी एग्जाम है। आज के लेसन में हम मैन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर डिस्कस करेंगे, मिनी कंप्यूटर के ऊपर डिस्कस करेंगे, माइक्रो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये चारों कंप्यूटर साइज के लिहाज से कंप्यूटर की टाइप्स हैं। ओके, तो सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत महंगा कंप्यूटर होता है, साइज में बड़ा होता है और बहुत ज्यादा फास्ट कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ये कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज किए जाते हैं और इन कंप्यूटर की जो अमाउंट होती है वो तकरीबन मिलियन रुपीस होती है और इन कंप्यूटर्स में एक वक्त में काफी सारे यूजर बैठ के काम करते हैं। इन कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, मीन डेटा स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इनकी स्पीड जो होती है वो भी बहुत फास्ट स्पीड होती है इनकी, इन कंप्यूटर की। और इन कंप्यूटर के जो मॉडल हैं, जो मशहूर मॉडल हैं, वो IBM 360, IBM 3090 एक्सेट्रा के मॉडल हैं। आपको नजर आ रहे होंगे मेनफ्रेम कंप्यूटर सामने, तो ये आपके पास मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद मिनी कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, मिनी कंप्यूटर जो होते हैं ये पीसी से थोड़े से बड़े कंप्यूटर होते हैं। पीसी मीन पर्सनल कंप्यूटर जो आजकल आप घर में यूज कर रहे हो, इन कंप्यूटर से इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। और मिनी कंप्यूटर जो होते हैं इनमें भी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और इन कंप्यूटर्स में भी एक टाइम में काफी सारे यूजर बैठ के काम कर सकते हैं। पीसी के लिहाज से, पर्सनल कंप्यूटर के लिहाज से ये थोड़े महंगे होते हैं और इनकी स्पीड जो होती है, जो कि डेटा ट्रेवल स्पीड होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो मिनी कंप्यूटर आपको नजर आ रहे होंगे, ये मिनी कंप्यूटर है। और आजकल के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो ये आज से बहुत पहले की बात है, उस टाइम मिनी कंप्यूटर को कहा जाता था। आजकल के लिहाज से अगर देखा जाए तो इनको भी आप मिनी कंप्यूटर कहते हैं, जो कि नोटबुक होगी या फिर आपके जो होते हैं आपके स्मॉल पीसी वगैरह, मीन आपके जो मोबाइल हो जाते हैं, टैबलेट हो जाते हैं, इनको भी आप मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं इन कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ये पीसी जो होते हैं आपके जो घरों में आप यूज करते हैं, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, इनको माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर हैं और ये डिजिटल कंप्यूटर होते हैं और घर घर में यूज होने वाले ये कंप्यूटर है, हर जगह यूज होते हैं, हर एक फील्ड से रिलेटेड है ये कंप्यूटर। किसी भी जगह आप चले जाए तो आपको ये कंप्यूटर मिलेंगे। इन कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है ये भी ज्यादा होती है, इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो भी अच्छी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी इनकी अच्छी होती है और इन कंप्यूटर को चिप कंप्यूटर भी कहा जाता है। आजकल के लिहाज से जो माइक्रो कंप्यूटर हैं वो आईबीएम आ गया, पीसी आ गया, एक्सटी 80, इसके अलावा और भी काफी सारे कंप्यूटर मार्केट में अवेलेबल हैं, P1, P2, P3, P4, ये भी कंप्यूटर है। इसके अलावा आजकल जो कोर i3 आ गया, कोर i5, कोर i7 कंप्यूटर जो, ये भी माइक्रो कंप्यूटर में आ जाते हैं। उसके बाद सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा फास्ट कंप्यूटर होते हैं जो कि स्पेशल, इन कंप्यूटर को आप स्पेशल कंप्यूटर भी कहते हैं। और ये कंप्यूटर जो होते हैं ये बहुत ज्यादा फास्ट कंप्यूटर होते हैं जो कि एक सेकेंड में मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेट करते हैं। बहुत ज्यादा फास्ट कंप्यूटर होते हैं कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं और ये जो कंप्यूटर, इनके जो मेन मशहूर मॉडल जो हैं वो ग्रे 1 एंड साइबर 205, और साइबर से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर हैं इनको सुपर कंप्यूटर कहते हैं।
एक कंप्यूटर होते हैं ये ऑटोमेटिक रिडार सिस्टम के लिए यूज होते हैं, डिफेंस सिस्टम नासा पे यूज होते हैं, जो कि यूएसए में एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है नासा, वहां पे यूज किए जाते हैं। ये कंप्यूटर आपको नजर आ रहे हैं सामने, तो ये कंप्यूटर जो होते हैं ये सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। तो ये आज का लेसन था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू साइज देखा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और यहाँ तक हमने तकरीबन कंप्लीट कंप्यूटर के ऊपर डिस्कस किया, कंप्यूटर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उनके ऊपर हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।